होमो सेपियंस, यही वो नाम है जो स्वीडिश बोटैनिस्ट और टैक्सोनॉमिस्ट कार्ल लिनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरा के 10th एडिशन में हमें दिया था। इस यूनिक नाम को सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ इस तरह के पिक्चर बनते हैं और ये दिमाग में आता है कि ये हमारे जनरेशन का पहला ह्यूमन है जो शायद इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हुआ करता था। पर मैं आपको बता दूं कि ये स्पीसीज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा स्मार्ट हुआ करती थी। वैसे तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से तो हर इंसान ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन अर्ली होमो सेपियंस शायद हम और आप से भी ज्यादा स्मार्ट हुआ करते थे। सालों से यही नाम हमारी स्पीसीज से हमेशा से रिलेट किया गया है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ह्यूमंस की सिर्फ यही एक स्पीसीज नहीं है जो धरती पर रहा करती थी, बल्कि होमो सेपियंस के अलावा होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियांडरथलेंसिस, द डेनिसोवंस, होमो फ्लोरेसियंसिस और होमो नैलेडी ने भी हमारे इस अर्थ को ऑक्यूपाई करके रखा था। लेकिन सवाल ये है कि आज ये सभी स्पीसीज कहाँ हैं? अपनी हिस्ट्री में हम सिर्फ एक ही नाम होमो सेपियंस को ही क्यों सुनते हैं? होमो सेपियंस ने ऐसा क्या अलग किया जिससे उनकी स्पीसीज इतनी ज्यादा डेवलप कर गई? यूवल नोआ हरारी ने अपनी बुक सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में इस बात को बेहद ही विस्तार से समझाया है। मैं आपको बता दूं कि होमो सेपियंस के बारे में जानने के लिए ये मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है। आज के इस वीडियो में हम भी ट्राई करेंगे अपने पूर्वजों के बारे में जानने का और देखेंगे कि कैसे उन्होंने ह्यूमंस की बाकी स्पीसीज को एवोल्यूशनरी साइकिल में सक्सेसफुली हराया। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं इंसानियत के इतिहास होमो सेपियंस के बारे में। दोस्तों, यूवल हरारी ने अपनी बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये रखा है कि सेपियंस अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एबिलिटी की वजह से आज वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं और वो एबिलिटी है ज़्यादा नंबर्स में होने के बावजूद भी बहुत फ्लेक्सिबली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की। सिंपल भाषा में बोले तो टीम वर्क। उनका कहना है कि प्री हिस्टोरिक सेपियंस ही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमंस की दूसरी स्पीसीज जैसे कि नियांडरथॉल्स आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। नियांडरथॉल्स आर्काइक ह्यूमंस की एक्सटिंक्ट स्पीसीज है जो यूरेशिया में करीब 40,000 साल पहले रहा करते थे। 20th सेंचुरी के रिसर्चर्स का कहना था कि नियांडरथॉल्स प्रिमिटिव और अनइंटेलिजेंट हुआ करते थे। इसके साथ ही वो बहुत वायलेंट भी हुआ करते थे, लेकिन मॉडर्न साइंस के एवोल्यूशन से उनकी ये इमेज चेंज होने लगी। नियांडरथॉल्स के पास उस वक्त के हिसाब से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जैसे कि स्टोन टूल्स, फायर क्रिएट करने की एबिलिटी, कपड़े बनाने की एबिलिटी, मेडिसिनल प्लांट्स का यूज करना और फूड को स्टोर करना। उनके पास बहुत से कुकिंग टेक्निक्स भी थे, जैसे कि रोस्टिंग, बॉइलिंग और स्मोकिंग। वैसे तो वो एपेक्स प्रेडेटर्स थे, लेकिन वो केव बियर्स, केव लायंस और केव हायनास जैसे बड़े बड़े जानवरों से भी लड़ने में सक्षम थे। यहाँ तक कि उनका एक अपना आर्ट फॉर्म भी था जिसे हम केव पेंटिंग्स कहते हैं। ये क्लियरली बताता है कि वो बेहद ही स्मार्ट हुआ करते थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमें इन स्पीसीज के जीन्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते? नियांडरथॉल्स की बॉडी कोल्ड क्लाइमेट के लिए बनी थी। वो ज्यादातर ऐसे एनवायरमेंट्स में रहा करते थे जो बहुत ही हाई स्ट्रेस वाली थी। नियांडरथॉल्स की पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। ऑलमोस्ट 80% नियांडरथॉल्स तो 40 साल के होने से पहले ही मर जाते थे। अब इतने हार्डशिप्स में जाहिर सी बात है कि जिस स्पीसीज के जीन्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे वही सरवाइव कर पाएंगे, और यही पर हम होमो सेपियंस आते हैं। यूवल हरारी ने अपनी बुक में यह भी बताया है कि सेपियंस कैसे इतने ज्यादा नंबर्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाए थे। इसका सिंपल सा आंसर है इमेजिनेशन। होमो सेपियंस की इमेजिनेशन पावर ने ही उन्हें यूनाइट करके रखा था। वो गॉड्स, नेशंस, मनी और ह्यूमन राइट्स जैसी चीजों में बिलीव किया करते थे। उनका मानना है कि आज के टाइम के लार्ज स्केल ह्यूमन कोऑपरेशन सिस्टम्स जैसे कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, ट्रेड नेटवर्क्स और लीगल इंस्टीट्यूशंस भी अर्ली ह्यूमंस के इमेजिनेशन की एबिलिटी से आज सक्सेसफुल हुए हैं। हरारी ने सेपियंस की हिस्ट्री को चार पार्ट में डिवाइड करके समझाया है, जिसमें से सबसे पहला है द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन। बिहेवियर्स में डेवलपमेंट ही ऐसा एक स्किल है जो होमो सेपियंस को बाकी के स्पीसीज से अलग बनाता है।
मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी, डेप्थ में प्लानिंग, सिंबॉलिक बिहेवियर्स जैसे कि आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक और डांस से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। इन मॉडर्न बिहेवियरल ट्रेट्स की वजह से ही ग्लेशियल पीरियड में भी होमो सेपियंस को एवोल्यूशनरी सक्सेस मिली थी। अब मॉडर्न बिहेवियर में कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है, इसे जानने के लिए कुछ ऐसे बिहेवियर्स जानना बहुत जरूरी है जो यूनिवर्सल हो, जैसे कि प्लानिंग, ट्रेड लेवर, बॉडी डेकोरेशन और फायर को सही से कंट्रोल और यूज करना। इसके अलावा भी ह्यूमन सोशल लर्निंग से बहुत कुछ सीखते हैं। ह्यूमन कल्चर ही हमें एनिमल्स के सोशल लर्निंग से अलग बनाता है। हमारी सोशल लर्निंग की एबिलिटी की वजह से ही ह्यूमंस अफ्रीका के बाहर भी सक्सेसफुली अडैप्ट करने में सफल हुए थे। आर्कियोलॉजिकली बहुत से और ट्रेट्स हैं जिन्हें यूनिवर्सल तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे कि पहला है ब्यूरियल यानी कि डेथ के बाद के स्पिरिचुअल बिलीव्स। स्पिरिचुअल बिलीव्स ने होमो सेपियंस को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर यूनाइट कर दिया। ऑलमोस्ट सभी कल्चर्स के स्पिरिचुअल बिलीव्स सेम ही होते हैं, वो मरे हुए को ऑनर करने में बिलीव करते हैं। ह्यूमन का ये ट्रेट 3 लाख साल पुराना माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ह्यूमन स्पीसीज के पास तो इस ट्रेट को जस्टिफाई करने वाले लैंग्वेज और सिंबल्स भी थे। आप माने या ना माने, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन ट्रेट फिशिंग हुआ करता था। फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना ऑलमोस्ट 40,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। बहुत से केव पेंटिंग्स में फिशिंग को एक बहुत ही क्लियर और इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन के रूप में दिखाया गया है। नियांडरथल्स तो 2 लाख BCE से फिशिंग किया करते थे। अब इनके अलावा कुछ कुछ ट्रेड्स हैं जो होमो सेपियंस में बहुत कॉमन थी, जैसे आर्ट, क्राफ्ट, केव पेंटिंग्स, ज्वेलरी का यूज करना, बोन्स की हेल्प से टूल्स बनाना, लॉन्ग डिस्टेंस तक रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करना और स्टोन से ब्लेड्स बनाना। अब आज के टाइम में तो हमें ये चीजें बहुत ही कॉमन और इजी लगती है, लेकिन इन्हीं सिंपल चीजों ने होमो सेपियंस को 1000 साल पहले इतना टफ बनाया था। और सिर्फ टफ ही नहीं, इन स्किल्स ने हमें क्रिएटिव, क्यूरियस और इंटेलिजेंट भी बनाया था। मैं आपको बता दूं कि युवल हरारी की बुक सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एक 400 पेजेस की बुक है और कुकू एफएम ने अपनी क्रिएटिविटी से इसकी हिंदी ऑडियो बुक सक्सेसफुली बना दी है, जिससे इसे समझना और ज्यादा आसान हो जाता है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां हर रोज 1 रुपए से भी कम में आप इसकी ह्यूज लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉन फिक्शनल बुक से लेकर सेल्फ हेल्प बुक्स तक सभी आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक पर क्लिक करना है और कुकू एफएम पर मेरे कूपन कोड ANT50 का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये लिमिटेड ऑफर है, जिसमें केवल पहले 250 सब्सक्राइबर को ही ये 50% डिस्काउंट का फायदा मिलेगा, इसलिए जल्दी से जाकर इसका इस्तेमाल कीजिए। कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है, जिसे प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग्स दिए गए हैं। तो सभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑडियो बुक्स को सुनकर अपने नॉलेज को गेन कीजिए, वो भी अपने पैसों और टाइम को बचाते हुए। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन यानी कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। युवल हरारी के मुताबिक होमो सेपियंस की हिस्ट्री का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इस रिवॉल्यूशन में एक बहुत बड़े ट्रांजिशन के बारे में ऑथर बताते हैं, जिसमें ह्यूमंस हंटिंग और गैदरिंग को छोड़कर एग्रीकल्चर और सेटलमेंट में शिफ्ट हुए थे। हंटिंग एंड गैदरिंग ह्यूमंस की ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें ज्यादातर खाना दूर तक सफर करके और जानवरों का शिकार करके मिलता था। इसके साथ ही शिकारी बहुत से खाने लायक पौधे और फलों को भी इकट्ठा किया करते थे। हंटिंग और गैदरिंग ह्यूमैनिटी का सबसे कॉम्पिटिटिव एडेप्टेशन था नेचुरल वर्ल्ड में सर्वाइव करने का। ह्यूमन हिस्ट्री का 90% हिस्सा इसी ने ले रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो होमो सेपियंस नेचुरली हेल्दी थे, वही इस एक्सट्रीम मेथड से खाने को इकट्ठा कर पाते थे और जो कमजोर होते थे उनका बच पाना नामुमकिन हो जाता था। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इस चीज को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ही जगह पर सेटल होने की वजह से ह्यूमंस पौधों को ऑब्जर्व और उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर पाए और धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट ला पाए। अब इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में सिर्फ फूड प्रोड्यूसिंग टेक्निक ही नहीं थी जो डेवलप हुई थी, बल्कि एक ही जगह पर सेटल रहने की वजह से हमने गांवों और शहरों को डेवलप किया। हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बहुत से मेथड्स जैसे कि सिंचाई और डिफॉरेस्टेशन से कंट्रोल कर पाए, जिससे वो और ज्यादा खाना उत्पन्न करने में सक्सेसफुल बन पाए। इन सब के अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स भी इस एरा में पाए गए थे, जैसे कि पालतू जानवरों को पालना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थरों के बने पॉलिश्ड औजारों और चौकोर घरों को बनाना। बहुत सारे रीजन्स में एग्रीकल्चर की वजह से पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ने लगी और इस फेनोमेनन को नियोलिथिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है।
इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रूलर्स का जन्म हुआ। बहुत से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और नॉलेज के सिस्टम्स बनाए गए जिसमें रीडिंग और राइटिंग सिखाए जाने लगे। अब जरा सोचिए कि इतना सारा डेवलपमेंट हुआ सिर्फ एग्रीकल्चर की डिस्कवरी से, और इसीलिए इसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहा जाता है। यूवाल हरारी की बुक सेपियंस के मुताबिक आखिरी दो सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन थे मैनकाइंड का यूनिफिकेशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यूनिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड को हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन दो या उससे ज्यादा पीपल, कंपनीज और गवर्नमेंट के इंटरैक्शंस को दिखाता है। अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए दो कंट्रीज या कंपनीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और मिलके प्रॉफिट कमाते हैं। ये इंटरैक्शन सिंपल ट्रेड और बिजनेस के लिए भी हो सकता है, या अपनी कंट्री को आर्मी और वेपन्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन 18th सेंचुरी से बहुत तेजी से एक्सेलरेट करने लगा। इसका रीजन था ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट। इस ग्लोबल इंटरैक्शंस की वजह से सिर्फ ट्रेड और बिजनेस में ही सुधार नहीं हुआ, बल्कि लोगों को न्यू आइडियाज, बिलीफ्स और कल्चर्स के बारे में भी पता चला है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन में हमेशा सिर्फ दो ग्रुप्स को केवल फायदा ही नहीं होता है, बल्कि कभी कभी उनमें वार्स भी होते हैं। हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन में वार्स एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इकोनॉमिकली बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में गुड्स, सर्विसेज, डेटा, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। बहुत से स्कॉलर्स ग्लोबलाइजेशन को मॉडर्न टाइम से जोड़ते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। न्यू वर्ल्ड की खोज करने के बारे में 3rd millennium BCE से बताया जा रहा है। एकेडमिक लिटरेचर ग्लोबलाइजेशन को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ये इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन को रेफर करता है। दूसरा है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ये जनरली आइडियाज, मीनिंग्स और दूसरे कल्चर्स के वैल्यूज को रेफर करता है, और इनकी मदद से हम सोशल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। ये वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल सिस्टम को दर्शाता है। इस सिस्टम में कंट्रीज के गवर्नमेंट से लेकर उनके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस तक सभी इंक्लूडेड होते हैं। अब दोस्तों, चौथा और लास्ट टाइप का रिवोल्यूशन है साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ये बहुत सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स को दर्शाता है जिससे मॉडर्न साइंस ओरिजिनेट हुआ। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में डेवलपमेंट्स ने हमारी सोसाइटी के व्यूज जो नेचर की तरफ थे पूरी तरह से चेंज कर दिए हैं। साइंस में जब भी न्यू चीजें डिस्कवर की जाती थी तब उन्हें रिवोल्यूशन का नाम दे दिया जाता था, क्योंकि एक छोटी सी छोटी डिस्कवरी हमें दूसरी नई डिस्कवरी के करीब ले जाती थी। साइंटिफिक रिवोल्यूशन ट्रेडिशनली कॉपरनिकन रिवोल्यूशन से शुरू हुआ था। टॉलेमाइक मॉडल जो 2nd century कॉमन एरा में आया था के मुताबिक अर्थ ही हमारे यूनिवर्स का सेंटर बताया जाता था, लेकिन कॉपरनिकन रिवोल्यूशन ने इस थियोरी को पूरी तरह से पलट दिया और कहा कि अर्थ के अराउंड सूरज नहीं बल्कि सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है और दूसरे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इस थियोरी को कंप्लीट किया आइजैक न्यूटन ने अपनी मोस्ट फेमस बुक प्रिंसिपिया में, जो कि 1687 में पब्लिश की गई थी। अब सिर्फ इस छोटी सी डिस्कवरी से बहुत सारे न्यू डिस्कवरीज का जन्म हुआ, जिसे प्रूव करने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस के न्यू टेक्निक्स बनाए गए। साइंस को मैथमेटिक्स के साथ हमेशा से ही जोड़ा जाता रहा है, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी का कोई मेजर हो या कोई भी दो मेजरमेंट के बीच का कंपैरिजन। एक बार साइंस का बेस स्ट्रांग होने के बाद मैकेनिकल फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, ग्रेविटेशन, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, केमिस्ट्री, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल मशीन्स, टेलीस्कोप्स, इन सभी चीजों को आने में सिर्फ 100 साल का समय लगा, और होमो सेपियंस सिर्फ कुछ ही सालों में इतने ज्यादा डेवलप हो गए कि हमारे पूर्वजों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस लंबे सफर के बाद आज हम ह्यूमंस, या कहे तो हम होमो सेपियंस इस जगह पर हैं, और आप अपने मोबाइल फोन में इस वीडियो को देख पा रहे हो, इस पूरी हिस्ट्री को जान पा रहे हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको भी एक होमो सेपियन होने में काफी गर्व महसूस होता होगा, और आपको अपने पूर्वजों पे हमेशा गर्व करना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में ही जो क्यूरियोसिटी थी उसने ही हमें आज यहाँ तक लीड किया। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ऐसी क्यूरियोसिटी आती है तो कुकू FM को डाउनलोड करके इस बुक को सुनना मत भूलना। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है पता है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।